नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, मंगलवार के दिन 2 लौंग और 1 कपूर से अचूक उपाय करना है आपको। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आपको यह उपाय बताने जा रही हूँ। मैंने इस वीडियो के माध्यम से इस उपाय को समझाने का प्रयास मात्र किया है। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ आएगा, और अगर समझ न आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। जीवन में जब परेशानी बढ़ जाती है, आपको ऐसा लगे कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है और आपको उम्मीद की कोई भी किरण नज़र नहीं आ रही हो, तो आपको इस विपदा के समय में संकट मोचन का सहारा लेना चाहिए। आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। कैसी भी विपदा क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आपको मंगलवार के दिन 2 लौंग व 1 कपूर से अचूक उपाय को करना ही होगा। आपकी सभी कष्ट परेशानियां तुरंत ही खत्म हो जाएंगी। कपूर का प्रयोग हिंदू धर्म में भी किया जाता है। माना जाता है कि पूजा में कपूर का होना बहुत ही आवश्यक होता है। कपूर का प्रयोग हवन में, पूजा में और कई तरह की क्रियाओं में भी किया जाता है। मान्यता है कि कपूर को नियमित रूप से जलाने पर नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाती है, और आज हम आपको इसी कपूर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस उपाय को मंगलवार के दिन, मतलब किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मंगलवार को करें। अगर मंगलवार आप भूल गए तो शनिवार को कर लें, और शनिवार को भूल गए तो आप मंगलवार को कर सकते हैं। मंगलवार की रात के समय इस उपाय को आपको करना होगा। आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। तो मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद आपको एक मिट्टी का जो है दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक लेकर उसमें एक कपूर का टुकड़ा डाल देना है। कपूर के टुकड़े को दीपक के अंदर ही रख देना है। साथ ही साथ आपको 2 लौंग लेनी है, और दोनों लौंग को आपको अपने हाथ में रखें, और आपकी जो भी समस्या है उसे 2 लौंग में बोल देनी है। 2 लौंग को हाथ में लेकर आपको अपनी मनोकामना या फिर अपनी समस्या को बोलना है, यानी दोनों लौंग की मुट्ठी बनाकर आपको इस समस्या को बताना है, बोलना है। ध्यान रखना कि मिट्टी का दीपक आपने जो लिया है, या कोई कटोरी भी आप ले सकते हैं। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो कोई कटोरी ले लीजिए। आपको क्या करना होगा, ये दोनों लौंग को आपको कपूर के ऊपर रख देना है, और इसके बाद कपूर को जला देना है। यानी कि ये जो जलता हुआ कपूर और 2 लौंग है, ये आपको अपने पूरे घर में दिखाना है, ताकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो सब समाप्त हो जाए। तो आपको ये उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ धन की जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाए। अगर आपके यहाँ चांदी की कटोरी हो तो आप यह उपाय चांदी की कटोरी में भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं। यह उपाय दरिद्रता को दूर करने के लिए व सुख शांति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भाग्य को वापस पाने के लिए यह उपाय आपको करना चाहिए। यदि आप नहाते समय नहाने के पानी में कपूर का तेल या कपूर को चूर कर पानी में मिलाकर नहाते हैं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ये तो हुआ पहला उपाय। इसके साथ ही एक और उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। तो इस उपाय को भी आप ध्यान से सुने। करना क्या है कि यह उपाय मंगलवार के दिन ही करना है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, या आपके घर में कलेश ज़्यादा रहता है, तो आपको क्या करना है, कपूर के टुकड़े को घी में डुबाकर जला देना है। जला करके इसको आपको पूरे घर में घुमा देना है। इससे आपके घर का कलेश या नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो जाएगी, सुख व शांति बनी रहेगी।
मैंने जो उपाय बताए हैं वो आपको ध्यान से करने हैं, कोई भी गलती आप ना करने। इस उपाय को अगर आप घर में दिखाते हैं, इस उपाय को घर में करते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा ही सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपको कोई भी उपाय अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और आपको वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को लाइक करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सीता राम, राधे श्याम।